इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन वीडियो नंबर 1। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, हमें इंटीग्रेशन करना है किस मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि एक चीज को हटाकर दूसरी चीज लगा देना, इसे हम सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो आइए देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन, इससे आपको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का मेथड और भी आसानी से समझ आ जाएगा कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का मतलब है क्या। तो हमारे क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको इंटीग्रेट करना है x प्लस 5 को और उसकी पावर है 5 विद रिस्पेक्ट टू x। हमारे पास जो फॉर्मूला है वो ये है कि अगर x की पावर जो भी होगी उसको आप एक बढ़ा देंगे और नीचे वही डिवाइड में कर देंगे, तो इस तरह से आप इंटीग्रेट कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके पास x प्लस 5 है, x नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसको हटाकर इसकी जगह पे कुछ और भरेंगे। जैसे एग्जांपल, मैं क्या करने वाला हूँ, x प्लस 5 को t मानने वाला हूँ। तो मैंने क्या किया, x प्लस 5 इज इक्वल टू t लिख दिया, मान लिया कि x प्लस 5 t के बराबर है। अब हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपको यहां पर x प्लस 5 का डिफ्रेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू t का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहां पे डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x अलग होगा, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 5 विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू dt बाय dx। dx से dx कैंसिल, 1 आ गया। डिफरेंशिएशन ऑफ 5 विद रिस्पेक्ट टू x, 5 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 0 होता है। यहां पे आ गया आपके पास dt अपॉन dx, 1 प्लस 0 1 आ जाएगा इज इक्वल टू dt अपॉन में dx। आपको इस dx को यहां लेके जाना है, तो ये dx यहां 1 के साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या बचेगा, dt, dx मल्टीप्लाई 1, dx इज इक्वल टू dt। ये आपने ध्यान रखना है कि dx इज इक्वल टू क्या आ गया है, dt। हमारा क्वेश्चन क्या था, चलिए मैं क्वेश्चन को दोबारा लिखता हूं एक बार। इंटीग्रेट x प्लस 5 और इसकी पावर थी 5, इसको हमें इंटीग्रेट करना था विद रिस्पेक्ट टू x। अगर यहाँ पे x की पावर 5 होती तब हम इसको आसानी से इंटीग्रेट कर पाते। वो कैसे, आप इसकी पावर को एक बढ़ा देते और नीचे वही लगा देते, लेकिन यहाँ पे x की जगह पे x प्लस 5 है। हमने क्या किया था, x प्लस 5 को इज इक्वल टू t माना था। एक काम करते हैं, x प्लस 5 को जब हमने t मान रखा है तो x प्लस 5 की जगह पर हम यहाँ पर t लिख देंगे। तो इस x प्लस 5 की जगह मैंने क्या लिख दिया, t। x प्लस 5 की पावर 5 है, इसका मतलब t की पावर भी क्या रहेगी, 5, क्योंकि x प्लस 5 को आपने t माना है, बाकी सब वैसे का वैसे रहेगा, ये 5 वैसे का वैसे रहेगा। उसके बाद इस dx को भी आपको हटाना है, तो dx किसके इक्वल है, dt के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, dx की जगह पर क्या लिख देंगे, यहां dx की जगह पर ये dt, क्योंकि dx इज इक्वल टू dt है। यानी कि अब सब कुछ देखिए t की टर्म्स में हो गया है कि आपको t की पावर 5 को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू t। अब आप देखिए इसको आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं, t की पावर 5 है, तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो t की पावर 5 एक बढ़ जाएगी और वही चीज नीचे भी आ जाएगी और प्लस c, तो t की पावर 6 और नीचे भी 6 प्लस c, ये आपने इंटीग्रेशन कर दिया। लेकिन हमारा क्वेश्चन जो था वो था x की फॉर्म में, x प्लस 5। आपको लास्ट में जो आंसर आएगा ना, इसको t की फॉर्म में नहीं छोड़ना है, इसको x प्लस 5, t को यहां पे हटा दीजिए। तो t हमने किसको माना था, t माना था हमने x प्लस 5 को,
तो आप इस t की जगह पर क्या लिख देंगे, x प्लस 5। तो लास्ट स्टेप में आपको t जो है उसको गायब कर देना है t की जगह पर x प्लस 5, क्योंकि हमारा t जो था वो x प्लस 5 के बराबर था, ताकि हमारा आंसर भी x की फॉर्म में आए, क्योंकि क्वेश्चन x की फॉर्म में था। तो ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। आपको इंटीग्रेट करना है 4x प्लस 3 इसकी पावर है 4 विद रिस्पेक्ट टू x। लेकिन फिर से वही बात, अगर यहाँ पे x होता तो हम आराम से इसका इंटीग्रेशन कर पाते। यहाँ पे है 4x प्लस 3, तो आपको इसको यहाँ से हटाना है और यहाँ पे एक सिंगल चीज लानी है, ताकि आप उसकी पावर को एक बढ़ा दें और नीचे भी वही लिख दें। तो आप फिर से सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करेंगे, यानी कि इसको हटा के 4x प्लस 3 को हम क्या भरने जा रहे हैं, t। इसकी जगह पे इसको भरा जाएगा, 4x प्लस 3 की जगह पे क्या भरा जाएगा, t। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, एक 4x प्लस 3 को हटा रहे हैं, उसकी जगह पर ये t डाल रहे हैं। तो हो गया ना ये सब्स्टिट्यूशन। तो इसीलिए इस मेथड का नाम रखा गया इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो ऐसा करने के लिए आपको सब कुछ t में लाना होगा, इस dx को भी हटाना होता है। इस dx को कैसे आप हटाएंगे, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आपको बोथ साइड्स। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएशन किया जाएगा 4x प्लस 3 का विद रिस्पेक्ट टू x। इधर भी किया जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू x। 4x प्लस 3 है तो आपको यहां पर डिफरेंशिएट करना है 4x का विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 3 विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू dt अपॉन dx। ये 4 कांस्टेंट है, जब भी कोई कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई या डिवाइड में हो तो आप उसको बाहर निकाल लेंगे। इस 4 को बाहर निकाल लीजिए, अंदर बचेगा dx और नीचे बचेगा dx। डिफरेंशिएशन ऑफ 3 विद रिस्पेक्ट टू x, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है, dt अपॉन dx, dx से dx कैंसिल होके बना जाएगा। तो 4 मल्टीप्लाई 1, प्लस में 0 है, प्लस या माइनस में 0 लिखने की जरूरत नहीं होती। तो यहां पर dt अपॉन में dx, 4 1 जा 4 इज इक्वल टू dt dx। इस dx को यहां जो डिवाइड में आ जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 4, ये dx वहां चला जाएगा, तो 4 dx इज इक्वल टू dt। इस 4 को आप यहां शिफ्ट कर देंगे नीचे डिवाइड में, ताकि आप dx की वैल्यू निकाल लें। तो dx की वैल्यू आ गई dt अपॉन 4। तो dx की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, यहां साइड में लिख लेते हैं, dx हमारे पास आया है dt अपॉन में 4। चलिए एक बार क्वेश्चन को फिर दोबारा लिखते हैं। हमारा क्वेश्चन ये था कि इंटीग्रेट करना था हमें 4x प्लस 3 को विद रिस्पेक्ट टू x, और यहां पे 4 थी पावर। 4x प्लस 3 को हमने क्या मान लिया था, 4x प्लस 3 को हमने t मान लिया था। तो 4x प्लस 3 बराबर क्या है, t। तो एक काम करते हैं, 4x प्लस 3 की जगह हम क्या पुट कर देते हैं, t, t की पावर 4, और ये dx की जगह पे dx की वैल्यू आ रखी है dt अपॉन 4। तो यहां पे क्या करेंगे, dt अपॉन में 4। तो ये बन जाएगा, अब देखिए ये 4 डिवाइड में है, तो जो चीज डिवाइड में है उसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लीजिए। तो इस 4 को बाहर निकालेंगे आप, तो 1 अपॉन 4 मैंने बाहर निकाल दिया, क्योंकि ये जब 4 बाहर जाएगा तो ऐसे 4 आएगा, ऊपर कुछ होना चाहिए ना, तो कुछ नहीं हो तो 1 लगा सकते हैं। तो इस 4 को मैंने बाहर निकाल लिया, अंदर बचा टी की पावर 4 और डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो 1/4 टी की पावर 4 है, एक पावर बढ़ जाएगी, तो 4+1, और वही नीचे भी आ जाएगी 4+1। ये हो गया इसका इंटीग्रेशन, प्लस एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 1/4 टी की पावर 5 अपॉन 5 प्लस
सी। ये आपका फाइनल आंसर लगभग आ चुका है। बस आपको क्या करना है, लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में इस टी को यहां से हटा देना है। आंसर आपका टी की फॉर्म में नहीं होना चाहिए, तो आप लास्ट में क्या करेंगे, बिल्कुल इस टी को यहां से हटाएंगे। तो इस टी को आप कैसे हटा सकते हैं, देखिए 1/4 टी, टी हमने किसको माना था, वापस चलते हैं क्वेश्चन में। तो आपने टी माना था 4x+3 को, तो टी की जगह पर हम क्या कर सकते हैं, 4x+3 लिख सकते हैं। तो यहां पे हम क्या करेंगे, इस टी की जगह पे लिख देंगे 4x+3 और टी की पावर 5, यानी कि 4x+3 की पावर भी 5, नीचे ये 5 प्लस सी। तो ये बन गया आपके पास 4x+3, इसकी पावर 5 और नीचे 4, 5 या 20 प्लस सी। तो ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। हमें इंटीग्रेट करना है 2x+5 इसका क्यूब रूट और विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको पहले थोड़ा सिंपल लिख लेते हैं। इसका मतलब ये है 2x+5 इसकी पावर है 1/3। ऐसे रूट लगा के यहां 3 लिखा हो, इसका मतलब पावर है 1/3 विद रिस्पेक्ट टू dx। फिर से वैसे ही, अगर यहां x होता फिर तो हमारे लिए क्वेश्चन आसान होता, हम एक पावर बढ़ा देते और वही डिवाइड में लिख देते, लेकिन यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे 2x+5 है। तो इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे t के साथ, यानी कि 2x+5 को t मान लिया जाएगा। फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स, तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2x+5 with respect to x is equal to differentiation of t with respect to x। तो होगा क्या, differentiation करना है हमें, तो differentiation of 2x+5 with respect to x is equal to dt upon dx। यहां पर differentiation किया जाएगा 2x का with respect to x, डिफ्रेंसिएशन किया जाएगा 5 का विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू dt/dx। ये 2 कॉन्स्टेंट नंबर है, ये मल्टीप्लाई में x के साथ, इसके लिए इसको डिफ्रेंसिएशन से बाहर निकाल सकते हैं। डिवाइड या मल्टीप्लाई में हो कोई भी कॉन्स्टेंट नंबर, तो उसको आप डिफ्रेंसिएशन या इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं। अंदर बचेगा dx और नीचे बचेगा dx। डिफ्रेंसिएशन ऑफ 5 विद रिस्पेक्ट टू x 0, dt/dx, ये dx से dx कैंसिल होके 1 बन जाएगा, 2 × 1, प्लस में 0 लिखने की जरूरत है नहीं, प्लस या माइनस में आप 0 को इग्नोर कर सकते हैं। तो 2 = dt/dx। ये जो dx यहां पे डिवाइड में, इसको यहां मल्टीप्लाई में भेज दीजिए, तो 2 × dx = dt। ये 2 यहां पे मल्टीप्लाई में, इसको यहां पे डिवाइड में भेज दीजिए, तो dx आ जाएगा dt/2। तो हमारे पास dx की वैल्यू आ चुकी है dt/2। तो एक बार क्वेश्चन को दोबारा लिख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा था इंटीग्रेट 2x+5 इसकी पावर 1/3 विद रिस्पेक्ट टू x। 2x+5 को हमने t माना था, तो 2x+5 की जगह पे हम t लिख देंगे, इसकी पावर 1/3। और dx की वैल्यू हम निकाल चुके थे, dx की वैल्यू हमारी dt/2 आई थी, तो यहां पे आप dx की जगह पे लिख सकते हैं dt/2। ये 2 जो है ये डिवाइड में हो रखा है dt के, और इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेंगे, तो ये 1/2 बन के बाहर निकल जाएगा। अंदर बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर 1/3 विद रिस्पेक्ट टू dt। अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, 1/2 t की पावर है 1/3, तो जो भी इसकी पावर होती है उस पावर में आप एक इंक्रीज कर दीजिए और वही चीज नीचे भी शिफ्ट कर दीजिए 1/3+1, और लास्ट में एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लगा दीजिए। तो आपने ये इंटीग्रेट कर दिया, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1/3+1 को हमें प्लस भी करना है, तो 1/3+1, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो उसके नीचे हम 1 लगा लेंगे, क्योंकि डिवाइड या मल्टीप्लाई में आप कभी भी 1 लगा सकते हैं।
थ्री और वन का एलसीएम, तो थ्री और वन का एलसीएम निकाला जाएगा, जो नीचे वाली टर्म्स होती है उनका एलसीएम निकाला जाता है। तो थ्री और वन का एलसीएम निकाला हमने, कितना आ गया थ्री। इस थ्री को जब इस थ्री से आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा वन। उस वन को इस ऊपर वाली वैल्यू से यानी कि वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वन आएगा। ये प्लस लिख दीजिए। इस थ्री को आप इस वन से डिवाइड करेंगे तो थ्री को वन से डिवाइड करेंगे आंसर आएगा थ्री। उस थ्री को आप इस वन से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाली वैल्यू से तो आंसर आएगा थ्री। तो वन प्लस थ्री यानी कि फोर अपॉन थ्री। तो ये आपके पास आंसर आ चुका है वन प्लस वन अपॉन थ्री प्लस वन का। तो लास्ट में यहां पे आंसर पुट कर देते हैं, वन बाय टू टी की पावर वन बाय थ्री प्लस वन था, तो वन बाय थ्री प्लस वन का मतलब फोर बाय थ्री। वन बाय थ्री प्लस वन का मतलब फोर बाय थ्री प्लस सी। वन अपॉन टू ये है फोर बाय थ्री, तो ये फोर बाय थ्री जब ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा थ्री बाय फोर। टी की पावर फोर बाय थ्री प्लस सी, थ्री मल्टीप्लाई वन थ्री, टू फोर जा एट। टी की पावर फोर बाय थ्री प्लस सी, थ्री बाय एट। टी की पावर फोर बाय थ्री, टी की वैल्यू क्या थी? तो टी की वैल्यू हमने किसको माना था? टी। तो क्वेश्चन में वापस चलते हैं और हम देखते हैं कि हमने टी माना था 2x plus 5 को, ये रहा। तो t की जगह पे हम 2x plus 5 लगा सकते हैं, इसकी पावर 4 by 3 plus arbitrary constant c। तो इस तरह से ये आपका फाइनल आंसर थर्ड वाले क्वेश्चन का भी आ चुका है। आई होप आपको आज की तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर समझ ना आए हो तो एक बार वीडियो को दोबारा देखिए, फिर भी समझ नहीं आए तो अपने डाउट को कमेंट करके आप पूछ सकते हैं।